हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं एक वाटर पंप। और यार ये कोई खिलौना नहीं है, आपके काफ़ी काम आने वाला है। ये एक इमरजेंसी वाटर पंप है जो आपके बहुत काम आने वाला है, जहां पर आपको लाइट नहीं मिलती या फिर कहीं आप खेत वेत पे आपका यूज़ कर सकते हो, जहां पर लाइट वेट की व्यवस्था ना हो या फिर कहीं इमरजेंसी फंसी हो आपके तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। और यार इसका जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसका जो पानी निकालने का जो ताकत है बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर आप इसके अंदर पाइप लगाकर इसको कहीं दूर भी ले जा सकते हो। फ्रेंड चालू करते हैं वीडियो, इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाइयों यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पाइप ले लेता हूँ जिसकी मोटाई है 75 mm की। अब मैं यहाँ पर इसके लेता हूँ 14 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्किंग लगा देता हूँ। फ्रेंड अब यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर दो पीसेस कट किए 14 सेंटीमीटर के अंदर। फ्रेंड्स अब यहाँ पर मेरे पास एक टी जॉइंट है 75 mm वाला। इस टी जॉइंट के हमें दोनों साइड में इन दोनों टुकड़ों को इस टाइप से लगाना होगा। तो इनको यहाँ पर इस टाइप से लगाकर हम चिपका देते हैं। इनको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट का यूज करने वाला हूँ, जो आपको 10 रुपए में छोटा वाला पैकेट मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पर मैं 40-75 का एक रिड्यूसर यूज करने वाला हूँ, जिसके तरफ यहाँ पर बड़ा वाला पाइप लग जाएगा और यहाँ पर छोटा वाला पाइप लग जाएगा। अब इसको यहाँ पर टी जॉइंट जो है इसकी तीसरी वाली जो टांग है यहाँ पर इसको इस टाइप से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर एक मैंने पीस कट किया है जिसको इस टाइप से हम लगा देंगे अंदर की साइड में और यहाँ पर हमारे टी जॉइंट के यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी आधी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमारा एक शाफ्ट लगानी होगी, एक प्रोपेलर लगाना होगा जो पानी को ऊपर से खींच कर यहाँ पर फेंक सके। भाई इसकी शाफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 18 इंच का एक बड़ा सा बोल्ट है और इसके नीचे की साइड में यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं दो। तो ये मैंने हार्डवेयर की शॉप से खरीदा है और यहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी शाफ्ट हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। इस बोल्ट का जो थोबड़ा दिख रहा है आपको, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया इसका थोबड़ा और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी पूरी शाफ्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक एम्पुलर या फिर एक प्रोपेलर बनाना होगा जो पानी को ऊपर की साइड में फेंकेगा और नीचे से खींचेगा। तो भाई इसके लिए यहाँ पर मैं एक लोहे की शीट का यूज करने वाला हूँ इसका प्रोपेलर बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं प्रकार लूंगा और प्रकार के द्वारा एक राउंड शेप करूंगा 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा जो सर्किल है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे कट करके। भाइयों यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक इस टाइप की प्लेट कट कर ली है बिल्कुल राउंड शेप के अंदर। भाइयों अभी दिवाली तो नहीं है लेकिन एक रंगोली हमें इसके ऊपर बनानी होगी, तो यहाँ पर मिडल पॉइंट से हम इस टाइप से हमारे पेन को रखेंगे और यहाँ पर इस टाइप से हम रंगोली बनाना स्टार्ट करेंगे। वैसे आपने स्कूल में बनाई होगी, मतलब हमें प्रकार और जैसे कि पेंसिल वेंसिल मिल जाती तो इस टाइप से हम बनाते थे छोटे थे तब। तो यहाँ पर उसी रंगोली का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हो हमारी रंगोली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें स्केल लेना है और ये जो हमारी पंखुड़ियाँ बनी हुई है इसके यहाँ से लेके इसको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है मिडल पॉइंट से लेकर। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 6 लाइनें खींच दूंगा इस टाइप से, हमारी 6 पंखुड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रंगोली बना ली, उसके बाद लाइनें भी खींच दी। अब यहाँ पर क्या ये कि हमारे 6 पंखुड़ियाँ बन जाएगी इसके अंदर और बीच में यहाँ पर एक होल करना होगा जिसके अंदर हमारा ये शाफ्ट है, यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका काम चालू करते हैं और करते हैं मैं किस टाइप से इसका प्रोपेलर बनाता हूँ आप देखिए। We'll be right back.
गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इसको इस टाइप से सेट कर दिया है यहाँ पर और अच्छे से टाइट कस दिया है। और यहाँ पर थोड़े मैंने फंके जो होते हैं हमारे उस टाइप का शेप दे दिया ताकि ये पानी को ऊपर की साइड में फेंक सके। और आगे की साइड में यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको बाहर निकाला इस बोल्ट को ताकि हम इसको अटैच कर सके हमारी बॉडी के साथ में। तो भाई अब यहाँ पर मेरे पास एक एंड कैप है जो कि बॉडी में इस टाइप से यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर हमें एक होल करना होगा और दो चार होल यहाँ पर भी करने होंगे ताकि पानी अंदर की साइड में खींच सके। तो भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने छेदी लाल बना दिया। अब इसको पता नहीं कि मैं सांस कहाँ से लूँ और कहाँ से करूँ। तो भाइयों आप यहाँ पर इसको हम पीछे की साइड में इस टाइप से लगा देंगे और इसको चिपका देते हैं। अब तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पीछे वाला पाइप था और इसी साइड का हमने लिया था, इसको मैंने हाफ कट कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो कि हमारी जो शाफ्ट थी इस टाइप की ये थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पाइप को कट करके इसको बड़ा कर दिया शाफ्ट। अब यहाँ पर भी मैं एक एंड कैप ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे हम। और यहाँ पर मैंने एक होल किया है ताकि हमारे शाफ्ट इस टाइप से यहाँ पर निकल जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब इसमें से पानी इस टाइप से निकलेगा और यहाँ पर जाएगा तो थोड़ा पानी इसके यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक पैकिंग लगानी होगी। इसको पैक करने के लिए यहाँ पर जो साइकिल का ट्यूब होता है मैं यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ और इसको यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर हम चिपका देंगे। तो इसको कट करने के लिए यहाँ पर मैं बड़ी सी सीजर का यूज़ कर रहा हूँ, ये अच्छे अच्छों का काट देता है पत्ता, गलत नहीं समझना। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इस टाइप से इस पैकिंग को लगा दिया है और यहाँ पर जो शाफ्ट है इसको इस टाइप से लगा देंगे। अब यहाँ पर ये चलेगा तो ऊपर की साइड में पानी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो शाफ्ट है इसको इसके अंदर लगाएंगे बॉडी के अंदर और यहाँ पर पीछे की साइड से इसको निकाल देते हैं इस टाइप से। कहाँ गया, लग गया। अब यहाँ पर एक मैं नट लेने वाला हूँ, नट को इस बोल्ट के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहाँ पर टाइट नहीं कसना है, बिल्कुल ढीला रखना है, मतलब हमें इतना रखना है ठीक है, जिससे बाहर की साइड में ना आ पाए, हमारे शाफ्ट इसके अंदर बाहर नहीं निकले और यहाँ पर अंदर फिर घूमनी चाहिए। तो अब इसको इस टाइप से यहाँ पर टिकाने के लिए यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे हम ताकि ये ना तो खुले और ना टाइट हो अंदर के। इसके बाद हमारा जो एंड कैप है यहाँ पर हम जो सील लगाई थी वो भी हम लगा देंगे। तो इसके यहाँ पर मैं सीमेंट लगा देता हूँ पहले। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा वाटर पंप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बस इस पर थोड़ा सा कलर कर देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कितना ये पानी देता है। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर वाटर पंप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो कलर करने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है। आगे साइड में मैंने ब्लैक किया है और पूरी बॉडी को रेड किया है ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर चलाते हैं इसको। लेकिन हमारे जो सामने की साइड में एक यहाँ पर इस टाइप का मैं एक पाइप और लगा दूंगा, जहाँ पर आपको लगाना हो कोई बड़ा पाइप भी लगाना हो लगा सकते हो आप, और यहाँ पर इसको चलाएंगे अब। तो इसको पावर देने के लिए यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगा। भाई हमारा जो वाटर पंप है इसको पावर देने के लिए यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में पानी डाल लिया है और यहाँ पर इसको चालू करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखना पानी कितना भयंकर तरीके से निकलेगा। भयंकर तरीके से पानी निकल रहा है इसके अंदर से। हमारे कुछ देर के अंदर इसने पूरी बाल्टी खाली कर दी है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इसने 30 सेकंड के अंदर हमारी पूरी की पूरी बाल्टी खत्म कर दी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी और चलाकर दिखाते हैं, थोड़ा पानी इसके अंदर भर लेते हैं वापस से। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वाला वाटर पंप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कुछ अच्छा सीखा हो नया लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की नॉलेज में इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अपना एक एक्सपेरिमेंट वाला चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको आप जाकर देख सकते हो जिसके मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। और अपना व्लॉग वाला चैनल भी है जिसके अंदर व्लॉग आते रहते हैं, जैसे कोई शादी हुई, कोई मतलब कहीं घूमने के लिए गए या फिर कोई फेस्टिवल हो उसका हम व्लॉग बनाकर डालते हैं, तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बड़े।